नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि विचार में जो शक्ति होती है वो शक्ति को हम कैसे यूज़ करते हैं। मेरे काफ़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, उन चीज़ों को देखकर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो कल्पनाएँ हैं, वो वही चीज़ है जो हम पाते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। बस उन्हीं विचारों को यूज़ करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है, जिससे हमें जो चाहिए वही हम पा सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं वो सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी, बहुत डिटेलिंग करने की कोशिश करूंगी, जिसे सुनकर, जिसे जानकर अगर अब तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ वो ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, विचार ये सिर्फ 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द होता है, लेकिन चमत्कार इतना बड़ा होता है जो रंग को भी राजा बना देता है। जी हाँ, सिर्फ विचार। तो देखिए, विचार ही वो पावर है जो हमारे जीवन को अचानक चमका देती है। हम जो सोचते हैं वही पाते हैं। लेकिन इसे कैसे समझें? दोस्तों, विचारों की यह शक्ति जिस सिद्धांत पर काम करती है ना, वो सिद्धांत कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत, सीधा सा अर्थ इसका यही है कि आकर्षित करता है। आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, उसे ही आकर्षित करता है। हम जिसे चाहे उसे ही आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दुख है, आप दुखी है, आप बीमार है, आप गरीबी में रहना चाहते हैं, तो ऐसे विचार सोचना शुरू कर दीजिए, आपके पास वैसे ही विचार आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसे रोक नहीं पाएंगे। ये आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम कर रहा है, तो आप जो सोचेंगे वैसा ही चीज आपके पास आएगा। उसी के अगर उल्टा हम सोचे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, लोकप्रिय बनना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, धनी रहना चाहते हैं, तो आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और एक बार फिर, यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको स्वस्थ बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको आकर्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि आप जो अपने लिए अच्छा चाहते हैं वही चीज़ आप आकर्षित करेंगे। उसी तरह अगर आप किसी और के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ और के लिए आप कुछ अच्छा सोचना चाह रहे हैं, तो वही आकर्षण का सिद्धांत में काम करेगा, वही चीज़ आपको मिलेगा। आप खुद सोचिए, चुंबक लोहे के सिवाय किसी और को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? नहीं करती है ना। तो क्या चुंबक अगर मानिए तो तांबा, पीतल, रबड़, कांच, ये सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है क्या? अट्रैक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि चुंबक और लोहे की जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो एक ही होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार इंसान के जो सोचने की फ्रिक्वेंसी है, वो चाहे गए सपनों की जो फ्रिक्वेंसी है, और इंसान द्वारा चाही गई जो भी चीजें हैं वो खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो फ्रिक्वेंसी है, हमारी सोच की जो फ्रिक्वेंसी है, ये एक साथ काम करती है। तो आकर्षण की जो सिद्धांत है ना, वो छोटे मोटे उदाहरण अगर मैं आप लोगों को दूंगी, तो आई होप आप इन सारे छोटे छोटे चीज़ों पर आप गौर नहीं करते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप गौर कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आकर्षण का सिद्धांत किस तरह से काम करता है। आप याद कीजिए सबसे पहले कि काफ़ी दिनों से आप किसी नज़दीकी को आप फ़ोन पर बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन कामों की व्यस्तता की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से आप कॉल नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन अचानक ही देखते हैं कि दूसरे दिन उसी रिश्तेदार का फ़ोन आपके पास आ जाता है, और आप उनसे कहते हैं कि अरे, मैं तो आपको फ़ोन करने के लिए सोच ही रहा था, इतने में आपका फ़ोन आ गया। ठीक है, इसी तरह एक और छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ कि आप कोई गाना याद कर रहे हैं, आप सुबह उसी गाने को गुनगुना भी रहे हैं, अचानक आपको याद आ गया है। ठीक है, लेकिन शाम को जब आप किसी भी तरह से या फिर कोई रेडियो सुन रहे हैं, एफएम सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो अचानक से वही गाना बज रहा होता है। उसी तरह से कोई चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो बर्थडे हो या फिर कोई और ओकेजन हो, वही चीज़ आपको गिफ्ट में मिल जाती है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का क्या क्या
रिलेशन हो सकता है। देखिए, ये सारी जो भी घटनाएं घटती हैं ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही घटती है। उसी तरह अगर एक छोटा सा और आप लोगों को एक उदाहरण दे देती हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट अपने को 80% मार्क्स के लिए वो सोचकर ही वो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ है कि वो 90% नहीं ला सकता है, तो वो क्या कर रहा है, वो 80% के हिसाब से वो पढ़ाई कर रहा है, 80% के हिसाब से ही वो तैयारी भी कर रहा है, और जब रिजल्ट आती है तो उसे 80% ही मिलती है या फिर 80% से कम मिल जाते हैं, लेकिन 80% से ज़्यादा नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा चाहा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं होती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कारण होता है, तो इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपनी मनचाही चीज़, यानी जो चीज़ हम चाह रहे हैं, तो इस सिद्धांत से यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम इसे कैसे पाए। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि सबसे पहला जवाब होता है कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहता है। वो संसार को आपके अकॉर्डिंगली ही चेंज भी कर सकता है, बस आपको केवल आदेश देना शुरू करना है, आपको यूनिवर्स को आदेश देना। मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि ये एक होटल में रेस्टोरेंट में जाने के जैसे, एक वेटर को ऑर्डर देने के जैसा है कि आपको ये खाना है और आपने उसको ऑर्डर दे दिया और वेटर वही खाना आपके लिए परोस दिया। ठीक है, देखिए इसका खास कारण ये है कि आकर्षण का जो सिद्धांत है यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मांगने और विश्वास करने पर आधारित है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया जो है ना, ये आपको ध्यान देनी है, वही चीज मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। पहली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इच्छा बताइए, आपको यूनिवर्स को अपनी इच्छा बतानी है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से यूनिवर्स आप पर काम करेगा। अगला अगर कुछ करना है तो विश्वास कीजिए, आपने जो मांगा है, जो भी चाह रहे हैं, वो आपको जरूर मिलेगा। ये मन ही मन आप अगर शंका के बिना रखते हैं कि मुझे जरूर मिलेगा, तो ये जरूर मिलेगा, बिलीव करेंगे। ठीक है, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे इस मामले में कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मैंने यूनिवर्स को बोल दिया है और मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इससे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है। उसी तरह काम करते जाइए। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने कुछ बोल दिया, ठीक है, आपने आकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड से कुछ मांग लिया है, लेकिन अब आप सिर्फ बैठे हैं और सोते हैं, उस सपने को सिर्फ देख रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये नियम आप पर काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके द्वारा चाही गई चीज़ आपकी ओर खींची हुई चली आती है, यानी आकर्षण कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, आप आकर्षित कर रहे हैं तो वो आपके पास आ रही है, लेकिन साथ में आपको भी उसकी ओर बढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन जो अट्रैक्टेड चीज़ें हैं वो आपके पास तो आ रही है, लेकिन आपको भी उसको पाने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो काम करते जाइए, काम नहीं रोकना है, कोई चीज़ चाह रहे हैं तो वो चीज़ के लिए आपको काम करना है। इसलिए आपने जो भी इमेजिन किया है उससे पाने की दिशा में अपनी तरफ से कोशिश करते जाइए। ठीक है, साथ ही साथ अपनी मेहनत से खुश होकर अपने मन में ये विचार भी जमाते जाइए कि आपकी मनचाही चीज़, ठीक है, आपकी ओर खींची चली आ रही है। ब्रह्मांड जब आपको तन और मन से उसी चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड देखेगा, वो देखेगा कि आपको ये बहुत चाहिए, तो वो आपकी मनचाही चीज़ देने के लिए बाध्य हो जाता है, मतलब वो देना ही उसे पड़ता है। अब अगला आता है पाएं। देखिए ऊपर के तीन जो भी स्टेज है मैंने आप लोगों को बताए, वो उसमें से सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऑनेस्टली और विश्वास के साथ करते जा रहे हैं, तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही कहना है कि देर सवेर आपके अपने लक्ष्य आपको प्राप्त ज़रूर होंगे। बहुत कोई होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बात को समझते नहीं है, वो लोग कहते हैं कि ये काम नहीं करता है, है ना, तो ये तो उनका उनकी बात है कि ये उनकी सोच है कि ये इसमें कितना नेगेटिविटी को डाल रहे हैं, तो उसी तरह कितने समय में ये काम करेगा ये भी जानने की ज़रूरत है। तो देखिए ये आप पर निर्भर है कि आप जो चीज़ को चाह रहे हैं वो कितने समय में आपकी मनचाही चीज़ आप पा लेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, आप इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं तो उस पर फौरन एक्शन शुरू हो जाती है, ये ब्रह्मांड का नियम है। आप जो भी मांग रहे हैं ना, आप अभी मांग रहे हैं तो इस पर काम शुरू हो जाती है, लेकिन जब आप अपने विचार को मनचाही चीज़ पाने की स्थिति में नहीं आ जाते तब तक वो आपको नहीं मिलती है, यानी कि फ्रिक्वेंसी मैच करानी है। ब्रह्मांड आपकी इच्छा और उसे पाने की ललक
आपके विचार, इमेजिनेशन ऑफ ड्रीम्स की फ्रिक्वेंसी आदि को देखकर ही तय करता है। ब्रह्मांड तो ये देख रहा है कि आपको कितना चाहिए, ब्रह्मांड को कुछ समझ में नहीं आता है। ब्रह्मांड को इतना ही समझ में आता है कि आप, आपकी शक्ति किसमें लग रही है, आप क्या चीज़ मांग रहे हो, ये चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, किसी की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति है वो 3 साल में काम करती है, किसी किसी की 3 मिनट में काम कर जाती है। तो ये कैसे काम करती है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी को मैच कराने में ही काम करती है। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों, आप कोई चीज़ मांग रहे हैं, कोई कोई कहते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, बिल्कुल करती है, लेकिन हम क्या बैठे बैठे सोचेंगे कि आज हमारा इतना इंच लंबे हो जाएंगे, इतने इंचेस हम मेरे और बढ़ जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको काम भी तो करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आपको जो भी चाहिए, आपको आपको ब्यूटीफुल स्किन चाहिए, आपको ब्यूटीफुल एक लुक चाहिए, एक अट्रैक्शन वाला आपका एक पर्सनैलिटी चाहिए, आपको पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, आप किसी को चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं, वो इंसान आपको चाहिए। ठीक है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत होता है कि वो कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि आप किस चीज़ को दिल से चाह रहे हैं, आप किस चीज़ पे अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहे हैं। यानी कि हमें एक चीज़ पसंद आ गई है लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं, उसे लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, हमें वो चीज़ कैसे चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, तभी तो कुछ चीज़ हम पाएंगे। अब मानो आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना परोसा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप जब तक अपने हाथों से उस खाने को अपने मुंह में नहीं डालेंगे तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। क्या वो खाना आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही देने के लिए, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी और हमारी सोच की फ्रिक्वेंसी, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही है। तो आप जो चाहोगे वही पाओगे, बस उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो कर्म करने की ज़रूरत है, उसके बाद तो यूनिवर्स रिजल्ट देने के लिए बैठा ही हुआ है। अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को ज़रूर पढ़िएगा, उसमें बहुत ही सफाई से लिखी हुई चीज़ है कि आप जो चाहते हैं वही पाते हैं। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और मेरे साथ ही बने रहिएगा, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें लाऊंगी, और जो चाहिए बस सोचना शुरू कर दीजिए, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, कर्म करने की ज़रूरत है। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, जब मैंने YouTube की जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि लोगों तक मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगी, लोगों तक वो सारी चीज़ें लाऊंगी जो चीज़ें उनका अच्छा करे। और देखिए इसके रिजल्ट्स भी मुझे मिल रहे हैं, आप लोग मुझसे जुड़े हैं, जुड़ने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा जानने को मिला है, सोचने को मिला है, क्या चीज़ में कोई अगर प्रॉब्लम थी, सोच की शक्ति में अगर कोई कमी थी, तो आई होप उसमें भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिला है। मेरे चैनल में मैंने यही कोशिश की है, तभी जाकर मेरी जर्नी आज की जर्नी में शामिल हुई है। तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा आज के वीडियो से, तो मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, और इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक और लाते रहूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।